हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल रिम्बिको लौरे पर। तो अभी हम लोग घूमने के लिए आ रखा है करचेंग डियर पार्क। डियर पार्क का नज़ारा अभी आप सबको मैं दिखाने वाला हूँ। छोटा है लेकिन घूमने के लिए थोड़ा बढ़िया है, अच्छा है। यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क है छोटा छोटा, और खरगोश पाल रखे है। तो पहले यहाँ तो बहुत पहले तो याक वगैरह हिरन वगैरह भी था, लेकिन अभी नहीं है। यहाँ पे फिलहाल कई सारे कारण से बंद हो रखा है, लेकिन अभी हम लोग घूमने के लिए आ रखा है। तो आप सबके मैं जितना हो सकता है उतना नज़ारा डियर पार्क का दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ओह, यहाँ पे पार्क के अंदर ये देखिए आप, ये जो पत्ते हैं ना, ये इसको ये हलहले कहते हैं हमारे इधर लोकल लैंग्वेज में। इसका ये आयुर्वेदिक मतलब हमारा लोकल में बहुत बढ़िया दवाई माना जाता है। इससे ना जो पायल्स फिस्टूला वगैरह होता है ना, उन बीमारी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। आप इसको लगातार ऐसे पत्ते को इस तरह से तोड़ के, ये जो पत्ता है ना, इसको आप ना नॉर्मल पानी में भिगो के सुबह शाम इसको खाओगे ना, तो इससे क्या होता है कि जो फिस्टूला पाइल्स का बीमारी वो जल्द से जल्द ठीक हो जाता है कहते हैं लोग। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रख्यात है हमारे पहाड़ों में ये पत्ता। देखिए इसको मैं आप सब खा के भी दिखाऊंगा। आओ लो, ये देखिए आप, ये देखिए आप वाला, ये जो एकदम जो गीले गीले जमीन होगा ना, खोला नाला पहाड़ के, वहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं आपको। बस चला के थोड़ा खट्टा खट्टा और थोड़ा सा तीखा महसूस होगा आपको, लेकिन ये सही में औषधि माना जाते हैं। फिर रुको है, तुम्हें जान्छौ अब भनेर। यो केसरी खानु हुँदैन नि, खाने कहाँ हो त ए।
गुरास गुरा उरा उरा ये देखिए यहाँ पे बगल में एक छोटा सा कैंटीन है, कैंटीन में मिलता है वेज मोमो, नॉन वेज मोमो और चाय स्नैक्स वगैरह। अभी हम लोग मोमो के मजे ले रहे हैं। कैसा है पुंछ मोमो? अच्छा है। ये ब्लड की चल ताली से ये भी मोमो खा रहा है। मैं सर ये देखिए ये हमारे मिल्क वाला चाय आ गए है। काफी बहुत बढ़िया दिख रहा है। And the album था? Is you not snap? अभी? नाम कहीं? नहीं। दुई जगह दिनुस् न। हजुर हजुर हालिदिनुहोस् न। लंबा लाइन एक लेयर खत्म हो चुका है, दूसरा लेयर शुरू कर रहे हैं हम लोग।
ये है भाई यहाँ का टाइगर, डियर पार्क का टाइगर। पिकनिक खाते थे घर दे जाना लगा, पिकनिक खाते थे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे मोमो वगैरह आलू दम मोमो वेज मोमो चिकन मोमो खा लिया, बहुत टेस्टी था, सस्ता भी है टेस्टी भी है, छोटा सा कैंटीन है यहाँ पे, आप आके तो यहाँ पर आप पेट पूजा कर सकते हो। तो अभी वहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, ये डियर पार्क का जो इलाका है बहुत बड़ा है, लेकिन पहले यहाँ पर क्या था, ये याक वगैरह और हिरन डियर वगैरह रखता था, अभी क्या है कि यहाँ मेंटेनेंस चल रहा है इसीलिए वो उसको दूसरे जगह पर शिफ्ट करके रखा है ना, शिफ्ट करके रखा है। तो अभी आप को मैं ब्लॉग पर तो दिखा नहीं सकता, लेकिन हम तो यहाँ आते रहेंगे, अगले ब्लॉग पे आपको दिखाएंगे। तो अभी आगे क्या क्या नज़ारा मिलेगा, क्या कैसा है डियर पार्क के अंदर का दृश्य, मैं अपने ब्लॉग पर आप सबको दिखाता रहूँगा। ये मैप भी बना रखा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है करके। अभी हम लोग इसके अंदर शॉर्टकट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे बैठने के लिए चौतरा वगैरह बना रखा है, वहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो, अपने फ्रेश हो सकते हो, अपने साथ लाए हुआ चाय पानी है तो वो भी पी सकते हो, यहाँ पे कोई मना नहीं है, आप कुछ भी लेके आ सकते हो घर से बना के, लंच पैक करके लेके आके भी आप लोग यहाँ बैठ के आराम से अपने परिवार के साथ पिकनिक की तरह खा सकते हो। यहाँ पे बहुत बढ़िया लोकेशन है, ये एनर्जी बूस्टर छुरपी। ओ हमारा पांडा भी आ गया। डे देख भाग से सर। अभी यहाँ पे एक मैदान जैसा है, ग्राउंड हाँ टार जैसा है, बिल्कुल यहाँ पे बैठ के पिकनिक पिकनिक खा सकते, खेल सकते। तो अंदर ही अंदर इसको यहाँ पे लोकल मेडिकल प्लांट भी बहुत सारे हैं इसके अंदर। और अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं यहाँ से, आगे भी एक छोटा सा जगह है, मैं आप सबको दिखाता रहूँगा। ये एक पहाड़ी इलाके है, यहाँ कर्सिंग की सबसे हाइट पे है ना, डॉविल के आसपास, तो ठंडा भी है यहाँ पे, मेन नीचे कर्सिंग सिटी से ऊपर थोड़ा ठंडा है, और बढ़िया जगह है यहाँ पे। तो मैं अपने ब्लॉग पे पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कवर करने का पूरा कवर कर लूँगा, तो आप लोग देखिएगा, और जो भी आना चाहेगा तो वो ज़रूर देखिए। रास्ते का गाइड वगैरह मैं अपने कैप्शन में दे दूंगा नीचे, आप जहाँ जा के देख सकते हो। ये देखिए, ये है कटूस, इसका अंदर का ये जो ऐसा दाना निकलता है, देखिए ये हम इसका दाना निकल के खा सकते हैं। हेजलनट जो कि बहुत बढ़िया होता है, अलमा फूटा चलना नहीं, इसके कांटे बहुत होते हैं, हाथ से आप तोड़ नहीं सकते इसको, सबसे आसान तरीका है पैर से मसलो इसे,
ओ तो कीड़ा ने पहले खा लिया। बाय बाय नानी चले जाते ना। ये तेरा शिदाई ओहो हमारे बेटी ने एक मिल गया। अब यहाँ पे कटुस का कांटे के अंदर जो छोटा छोटा दाना था ना वो कटुस कहते थे। बचपन में इसको हम लोग बहुत ढूंढ के खाते थे, बहुत तोड़ के खाते थे, बहुत मज़ा आता है। इसको देखे बचपन का बहुत याद आता है। आजकल तो दुनिया भर के लोगों को सब कुछ मिल जाता है, इसलिए ऐसे जंगल के अंदर मिलने वाले है ना बांटे कटुस इन सब के बारे में भी आजकल के बच्चे को पता नहीं है। तो हम सबको थोड़ा पता है, हम लोग पिछले ज़िंदगी भी जिले, अभी 4G 5G 3G सब हमने देख लिया। तो हम लोग किस्मत वाले भी है कि हम इस समय पैदा हुए। क्या देखिए ये यहाँ से नहीं ये डियर पार्क के अंदर का झील, उस साइड में थोड़ा सा मंदिर भी है जो यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा पेड़ की वजह से। पूरा करसिंग बाजार के लिए यहाँ से पानी जाता है। ये देखिए अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं। बहुत बड़ा पार्क है ना, आधे से ज़्यादा हमने कवर कर लिया घूम के। ऐसे कोई खास नज़ारा नहीं है लेकिन नेचुरल चीज़ें बहुत है यहाँ पे। हरा भरा पेड़ पौधे का है ना, फल फूल ऐसे चीज़ों का आप आनंद लेना चाहते हो, आप ऐसे मतलब एकांत प्रेमी हो, यहाँ एकदम सुनसान जगह आपको घूमना पसंद है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हो और घूम सकते हो। बहुत बढ़िया जगह है। आगे का और नज़ारा कैसे रहेगा मैं आपको दिखाने वाला ब्लॉग पर। यहाँ पे आप गाड़ी में भी आ सकते हो। ये देखिए गाड़ी आ गई रोड है, हरा भरा पेड़ पौधे से भरा हुआ है। हमारे यहाँ का ऊनी हुए इसका मैंने नेचुरल क्राउन बने थे बेटी और उसके लिए बहुत आसान है। ये देखिए इसको ऐसे करना है इसको यहाँ पे अच्छे से लटकाना है। आप भी ऐसा बना कला पहन सकते हो। अभी बहुत पैदल चल लिया, बहुत कुछ भी बहुत चलिए, कम से कम 7 से 8 किलोमीटर हम लोग चले। लोग तो गाड़ी में भी आ रहा है लेकिन हम पैदल ही आ गए। ये देखिए ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में बहुत बढ़िया रोड है, इससे यू टर्न लिया हुआ। ये देखिए वाह हो रहा,
देउराली बाटो देखि चित्रेसम्मको सडक दर्शन। ये वाला रास्ता पक्रेंगे तो हम सीधे चित्रे पहुँचेंगे। अभी हम लोग डियर पार्क से सबसे ऊपरी वाला सतह पर आ गए, मतलब सबसे हाईस्ट जगह पे। ये नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो ये मेरे आप पीछे देख सकते हो, ये रोड दिखा, ये यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे यू टर्न गया हुआ है। ये देखिए पेड़, तो एक नेचुरल अच्छा सा जगह है यहाँ पे। ये नीचे एकदम अभी अभी मेंटेनेंस हुआ नया रोड है, जहाँ से हम चित्रे गांव जा सकते हैं। तो फिर थोड़ा बहुत ये देखिए दोनों शूटिंग पे मस्त हो गए। तो यहाँ पे जो धुप्पी बोलते हैं धुप्पी, इसका साइंटिफिक नेम है क्रिप्टोमीरिया जापानी का, तो हमारा लोकल नाम इसको धुप्पी कहते हैं। ये एक देखिए कितना बढ़िया पेड़ है, तो यहाँ पे ज़्यादातर इसी का पेड़ मिलता है आपको। अभी यहाँ से पूरा मैं आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ। ये एक है नेचुरल व्यू पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ये गंदगी करके जाते हैं, देखो आग आग जला के सेकते हैं। ये देखिए नज़ारा, वाओ आहा। ये देखिए आधा आधा धूप का पेड़ में धूप लगा हुआ, आधा छाँव, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी धूप है जिंदगी, ऐसे थोड़ी गीत बनाए, देखो। तो ये था डियर पार्क का सबसे ऊपर वाला व्यू पॉइंट। तो ये बहुत बढ़िया है, आप ये देखो नेचुरल, तो बहुत बढ़िया नज़ारा है। तो मेरा आज का जो डियर पार्क वाला ब्लॉग था वो ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। और वो अगले ब्लॉग पे आप सबसे फिर से मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। तो अभी के लिए डियर पार्क वाला ब्लॉग से मैं आप सबको टाटा बाय बाय कहना चाहता हूँ। टाटा बाय बाय। Bye.